24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। इंदौर विजयनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट और घिनौने कृत्य के बाद भूमाफिया मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भूमाफिया मुख्तार के बेटे पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए भूमाफिया और उसके अन्य साथियों द्वारा एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो इतना घिनौना बनाया गया है कि हम साफ तस्वीरों में इसे नहीं दिखा सकते। वीडियो में मासूम से बच्चों के साथ दरिंदों ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, फिर उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने तत्काल फरियादी की तलाश कर मामले में अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी मुख्तियार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया मुख्तियार पर एक दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। मुख्तियार द्वारा अवैध कब्जे को लेकर भी पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल मुख्तियार और उसके भाई सहित अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।